हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। सो स्टूडेंट्स, आपकी फोर्थ सीरीज है। इससे पहले हमने सीरीज 1, 2, 3 कंप्लीट कर ली है, और जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, एक दिन में मोस्ट प्रोबेबली 2 वीडियोस हम लेकर आएंगे। तो मॉर्निंग की जो वीडियो थी वो भी कंप्यूटर बेस्ड थी, और जो इससे पहली वाली जो 2 वीडियोस थी, फर्स्ट और सेकंड, वो आपके एप्टीट्यूड बेस्ड या आप कह सकते हो मैथ्स बेस्ड आपके क्वेश्चंस थे, जो कि दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी पूछे हुए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, उसी सीरीज में हम फोर्थ सीरीज को कंप्लीट करते हैं। तो इस जो हम ये क्वेश्चंस करेंगे, ये क्या है कि आपके प्रीवियस जो पहले किसी ना किसी पेपर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, और काफी ज्यादा चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चंस आने की, और धीरे धीरे हम लेवल को इंक्रीज करेंगे। अभी हम कंप्यूटर पे डिस्कस कर रहे हैं आज, कल फिर हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग पे जाएंगे। तो ऑन एन एवरेज 2-3 दिन हम लगाएंगे। उसके बाद हमने प्लान किया है कि आपका एक मैराथन या आपका एक क्विज या टेस्ट लिया जाए, जो कि मार्क्स होंगे वो आप अपने पास रखिए, आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ आप ये देखिए कि आपका क्या लेवल है, जो आपने प्रिपरेशन करी है। बिकॉज देखिए, प्रिपरेशन तो हो चुकी है। आज आपकी 4 अक्टूबर है, बस 6 दिन बचे हुए हैं आपके, क्योंकि 10 से काफी बच्चों के कमेंट्स आ चुके हैं हमारे पास कि 10 से पेपर है, और काफी दूर दूर भी उनके पेपर्स आए हैं। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, और देखिए अभी स्टार्टिंग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये वीडियोस भी हम इसलिए लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जिससे कि जो भी आपने पढ़ाई करी है उससे आपको कम से कम ये तो पता चले कि हाँ, ये क्वेश्चन या ऐसा क्वेश्चन मैंने सुना हुआ है, अगर पेपर में आ गया तो मैं ट्राई करूंगा। तो चलिए सीरीज से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट देखिए, जो आपके होमवर्क था, हमने पहले दोनों सीरीज में आपको होमवर्क दिया है। अगर आपने वो क्वेश्चंस भी नहीं किए हैं तो आप एक बार ये ट्राई कर लीजिए, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद जो थर्ड सीरीज और ये फोर्थ सीरीज है जो आपकी, इसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो हम आपको वीडियो के एंड में देंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अगर आप चैनल पर न्यू है या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी हमारी नोटिफिकेशन होगी वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कंप्यूटर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में करेंगे। तो देखिए, ये जो आपके एमएस वर्ड है, मैं लिख देता हूँ एक बार, जो आपके देखिए एमएस वर्ड के क्वेश्चंस, जितने भी आपके शॉर्ट ट्रिक्स हैं या जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, एमएस एक्सेल के क्वेश्चंस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमएस एक्सेल के जो कॉलम और रोज के क्वेश्चंस होते हैं वो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, और ये आपके वर्ड के क्वेश्चंस हो गए, और आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो पीपीटी होता है उसके भी क्वेश्चंस आपके काफी पूछे जाते हैं। तो एक बार ये आप देख लीजिएगा, और देखिए काफी जो शॉर्टकट्स थे वो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, और जो एक दो पीडीएफ्स अभी हमारे पास थी वो हमने डाल दी हैं। जैसे जैसे अगली पीडीएफ हम डिस्कस करेंगे वो भी आपके साथ डाल देंगे, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, आपके लिए काफी यूजफुल होगा। जिन भी बच्चों का 10 तारीख को पेपर होगा वो सब वहीं पे डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर ही डाल देंगे। तो चलिए देखिए, शॉर्टकट की बताना है टू क्रिएट द सबस्क्रिप्ट इन एमएस वर्ड। तो देखिए, आई थिंक आप लोगों को पता होगा, एमएस वर्ड में दो चीजें होती हैं, एक होता है सबस्क्रिप्ट, एक होता है सुपरस्क्रिप्ट। तो हमने दोनों के बारे में डिस्कस करना है। देखिए, कोई आपका क्वेश्चन आंसर पेपर तो है नहीं, एमसीक्यू पेपर है, तो आपको बस यही जानना है कि जो आपकी शॉर्टकट कीज होती हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की, वो क्या क्या होती हैं। तो देखिए, जो आपकी सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस इक्वल टू। क्या यूज करते हैं हम? कंट्रोल प्लस इक्वल टू। और अगर हम बात करते हैं सुपर स्क्रिप्ट की, तो सुपर स्क्रिप्ट की आपकी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट, एंड उसके बाद क्या है प्लस। मीन क्या करना है, पहले आपको कंट्रोल दबाना है, फिर शिफ्ट दबाना है, फिर प्लस साइन दबाना है, उससे क्या होता है आपका सुपर स्क्रिप्ट ओपन होता है जो शॉर्टकट की है। और सबस्क्रिप्ट के लिए क्या, कंट्रोल प्लस इक्वल टू। ये देख लीजिए, सब क्या है, छोटा है, तो इसके लिए छोटा हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कंट्रोल और प्लस तो सेम है, सिर्फ शिफ्ट ऐड किया है सुपर स्क्रिप्ट ने, तो आप ऐसे भी इसे याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर लैंग्वेज और आपकी जो असेंबली लैंग्वेज होती है और कंपाइलर होते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है या लो लेवल लैंग्वेज है या मशीन लैंग्वेज है, ये सारी चीजें आप एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, आपकी जितनी भी जैसे लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, सी हो गया, ये सारी क्या है आपकी, ये आपकी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। और जो लाइनेक्स है, जो लिनेक्स है, ये क्या होता था, जैसे विंडोज है ऐसे लिनेक्स क्या, एक ऑपरेटिंग सिस्टम था हमारा। तो जो लिनेक्स है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज है, तो आपकी सी प्लस प्लस और जावा दोनों ही आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज है, और जो लिनेक्स है आपका ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड टू,
तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WWW, ये तो इजी क्वेश्चन आई थिंक सभी को पता होगा क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। और देखिए स्टूडेंट्स, ये सिर्फ आपका क्या है कि 10 से 15 20 मिनट के सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आपका भी ना टाइम वेस्ट हो और आपको जो भी आपने पढ़ा है वो आपके एक तरीके से रिविजन हो जाए आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, इन अ कंप्यूटर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डेटा। कंप्यूटर में क्या रेस्पॉन्सिबल होता है जो डेटा को प्रोसेस करता है, और ऑल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। और हम इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन बोलते हैं, तो ये तो इजी क्वेश्चन आई थिंक सभी को आता होगा। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा आपका सीपीयू। क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें देखिए हार्ड डिस्क क्या होता है, ये आपका स्टोरेज डिवाइस होता है, और जिसे हम HDD बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। एक होता है आपका SSD, उसे बोलते हैं सॉफ्ट डिस्क ड्राइव बोलते हैं, SSD। और जो आपका रैम होता है, ये होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो आपकी लैपटॉप हो गया या मोबाइल हो गया, जो स्पीड पे बेस करता है। और SSD, सॉरी SSD होता है सॉलिड डिस्क ड्राइव होता है, SSD की फुल फॉर्म। उसके बाद ये आपका कीबोर्ड है, ये आप सभी को पता ही होगा। उसके बाद बात करते हैं CPU से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आप देख लीजिए, ये बेसिक चीजें हैं, एक बार अगर आपको पढ़ना है तो। और ये CPU के बारे में, हार्ड डिस्क के बारे में, स्टोरेज डिवाइस होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था, टू स्टोर द डिजिटल डेटा। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, टू स्टोर द वर्किंग डेटा एंड द मशीन कोड, एंड कीबोर्ड इज यूज फॉर टाइपिंग। उसके बाद देखिए, इन अ कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में 1 MB क्या होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव में भी पूछा हुआ था कि कौन सी टर्म बड़ी है कौन सी छोटी है। इसमें क्या हुआ था, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। उसमें क्या था कि आपको चार टर्म्स दे दी थी, जैसे आपको टर्म दे दी 1 MB, MB क्या होता है मेगाबाइट। एक दे दिया आपको KB, KB क्या होता है आपका, KB होता है आपका किलोबाइट। एक दे दिया आपका TB, TB क्या होता है टेराबाइट, TB होता है आपका टेराबाइट। और एक दे दिया था आपको PB, PB होता है आपका पेटाबाइट। इसमें क्वेश्चन क्या था कि इन सबको अरेंज किया हुआ था कि कौन सा जो पैटर्न है वो ठीक है, मतलब सबसे बड़ा कौन सा सबसे छोटा कौन सा है, ऐसा एक क्वेश्चन आया था आपका। तो देखिए इसमें देखिए, जो आपके 1024 बाइट्स होते हैं उनसे क्या बनता है, 1 किलोबाइट बनता है। यहाँ पे लिख लीजिए आप, 1024 बाइट से बनता है 1 किलोबाइट्स। और 1024 जो किलोबाइट्स होते हैं उनसे क्या बनता है आपका, 1024 किलोबाइट से इनसे बनता है MB, जिसे हम बोलते हैं मेगाबाइट्स। जो बोलते हैं हम 100 MB यूज हो गया, या 1000 MB, जो 1024 MB होता है वो 1 GB होता है, ऐसे याद कर लीजिए। 512 ये इसका आधा होता है, और 512 बाइट्स जो होता है ये क्या होता है, ये इस बाइट्स का आधा होता है। तो यहाँ पे क्या, इन टेक्स्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए कंप्यूटर अगर कोई कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के लिए यूज कर रहा है तो 1 MB कितना होगा। अभी मैंने आंसर आपका आई गया है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। और देखिए यहाँ पे देख लीजिए, सबसे बड़ा जो आपका होता है, ये आप क्रोनोलॉजी भी याद कर लीजिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसमें सबसे बड़ा होता है आपका योटाबाइट होता है, जिसे हम YB बोलते हैं। उसके बाद होता है आपका जीटाबाइट, जिसे हम ZB बोलते हैं। उसके बाद होता है आपका PB, पेटाबाइट, जिसे हम PB बोलते हैं। उसके बाद होता है आपका TB, जिसे हम टेराबाइट बोलते हैं, जैसे आपने सुना होगा हार्ड डिस्क 1 TB की है। उसके बाद TB के बाद होता है आपका, आप MB ले लीजिए, MB हो गया मेगाबाइट। और उसके बाद आप किलोबाइट और बाइट्स, जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है बाइट। बाइट के ऊपर क्या हो जाएगा आपका, बाइट के ऊपर होता है किलोबाइट, किलोबाइट। तो ये आपकी क्रोनोलॉजी होगी पूरी, इसे आप याद कर लीजिए अच्छे से। योटाबाइट, जीटाबाइट, पेटाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट और बाइट। काफी ज्यादा चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन आने के, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रख लीजिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी शो किया हुआ है 1 KB 1024 बाइट्स है, 1 MB 1024 किलोबाइट्स है, 1 GB ये, और रह गया आपका 1 GB 1024 मेगाबाइट्स। इसका मतलब ये मेगाबाइट से ऊपर आता है। सो मेगाबाइट्स जो TB है इसके बीच में आएगा, ये आपका GB, GB क्या हो गया 1 GB। टेराबाइट हो गया 1024 GB। बिट क्या होते हैं, यूजुअली जो फॉर्म्स होते हैं आपके, ये क्या होते हैं, 0 और 1 में डेटा स्टोर करते हैं, डिजिटल डेटा होते हैं। जैसे कि मैंने आपको जो कल वाली वीडियो थी कंप्यूटर की, या सुबह वाली जो वीडियो थी उसमें हमने बताया हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर सुपर कंप्यूटिंग। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं, क्योंकि शिफ्ट काफी होने वाली है आपकी, 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर काफी लंबा हो जाता है।
तो इसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं आपके, तो इसलिए जो क्वेश्चंस है वो भी ध्यान में रखिएगा कि 10 तारीख को कौन से पूछे गए हैं, तीनों शिफ्ट में 11 को कौन से पूछे गए हैं, और उसके साथ साथ जो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग है वो होता है आपका सेम और क्रे। इसे याद कर लीजिए, सेम और क्रे आपके फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो 1960 में आया था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे सेम और क्रे। इन्होंने क्या किया कि एम्बार्ड ऑन क्रिएटिंग, सोचा कि जो वर्ल्ड का पहला फास्टेस्ट कंप्यूटर बनाते हैं, और इसके बाद इन्होंने उस पर काम किया एंड ही गॉट एन सक्सेस। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल, साइज, फॉन्ट कलर एटसेट्रा आर द ऑप्शंस ऑफ। तो ये कहना चाहता है कि जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलेंगे, मतलब एमएस वर्ड खोलेंगे, तो उसमें ये सारी जो चीजें हैं ये हमें किस ऑप्शन में मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, सेंटेंस फॉर्मेटिंग एंड फॉन्ट फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे देखिए काफी चीजें फॉन्ट से रिलेटेड है, फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट का साइज चेंज करना है, या फॉन्ट का कलर चेंज करना है। तो ऐसे केस में देखिए जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉन्ट फॉर्मेटिंग। क्यों हो जाएगा? क्योंकि फॉन्ट के बारे में ही हम इतनी बातें कर रहे हैं, और जो ऑप्शन होता है वो फॉन्ट में, जैसे हम आप क्लिक करते हो फॉन्ट में, तो उसमें ही आपको क्या है कि फॉन्ट फॉर्मेटिंग, साइज, कलर, ये सारी चीजें मिल जाती हैं कि आपको कितना छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, नंबरिंग, जो आपके पैटर्न होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलती हैं? फॉन्ट फॉर्मेटिंग से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये वही क्वेश्चन है जो हमने आपको पहले बता दिया है। सी प्लस लैंग्वेज होती है, जावा भी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, और भी काफी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, सी हो गया, पाइथन हो गया, पाइथन प्लस 3 प्लस हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, काफी सारी लैंग्वेजेस हैं। लिनक्स के आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि विंडोज है। उसके बाद देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्टोरेज मीडियम इन अ कंप्यूटर। तो देखिए स्टोरेज मीडियम क्या होगा, जो सबसे छोटी चीज होती है वही होती है। जैसे हम टाइम की बात करें तो हम सेकंड में मीजर करते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे छोटी वही है, एक्यूरेसी 100% होती है ऑलमोस्ट। तो इसलिए तो जो आपकी स्टोरेज मीडियम है कंप्यूटर में वो क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी बाइट। उसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ कुछ, बाइट क्या है, एक सीक्वेंस है 8 बिट का, और क्योंकि एक बाइट में क्या होता है 8 बिट्स होते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, और जो आपके 4 बिट्स होते हैं ये चीज भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, 4 बिट्स में 1 निबल होता है, ये भी याद रखिएगा, 1 निबल होता है 4 बिट्स में, और 8 बिट्स में 1 बाइट हो जाता है। उसके बाद देखिए किलोबाइट 1024 बाइट्स का, मेगाबाइट 1024 किलोबाइट्स का, और ये पैटर्न है देखिए, ये छोटा सा पैटर्न है जो हमने आपको पहले बताया हुआ है, ये वही है, पेटाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट। इसके पहले बाइट भी आएगा, पेटाबाइट के बाद आपका जीटा बाइट आएगा, जीटा बाइट के बाद आपका यूटा बाइट आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्टकट की टू क्रिएट सबस्क्रिप्ट। तो देखिए ये सबस्क्रिप्ट का नहीं है, ये सुपर स्क्रिप्ट का क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या था, हमने आपको पहले ही बता दिया था, कंट्रोल एंड शिफ्ट प्लस। उसके बाद इनपुट डिवाइस क्या होती है, तो देखिए इनपुट डिवाइस क्या होती है आपकी, इनपुट डिवाइस होती है कि जो हम जो इनपुट ले लें डायरेक्टली, लेमन लैंग्वेज में समझिए, जो कि इनपुट हमारा ले ले, और आउटपुट डिवाइस क्या होती है, जो हमें कुछ दे दे। जैसे कि अभी मैं स्क्रीन पे बोल रहा हूँ, तो इसमें क्या है कि मुझे जो मेरा लैपटॉप है इससे मेरे को आउटपुट मिल रहा है, कुछ हमें देखने को मिल रहा है, जैसे प्रोजेक्टर हो गया, ये देखिए साउंड कार्ड हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, हेडफोन्स हो गए, हेडफोन्स क्या फोन में लगाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करता है, साउंड सिग्नल में आता है और हमें म्यूजिक सुनाई देता है। तो ये आपके आउटपुट हो गया, प्रोजेक्टर आपका आउटपुट हो गया, जो हमें प्रोजेक्ट करता है स्कूलों में, कॉलेजेस में आपने देखा होगा, और आपका साउंड कार्ड हो गया। तो वेबकैम जो है वो क्या होता है, आपका इनपुट होता है। वेबकैम मतलब जो कैमरा में मेरा रिकॉर्ड हो रहा है वो क्या हो रहा है, मुझसे कोई चीजें ली जा रही है, मेरा फेस लिया जा रहा है, वो क्या है, वो आपका कंप्यूटर में या आपका प्रोसेस हो रहा है, जिससे कि आप मेरी इमेज देख पा रहे हो कंप्यूटर में। देखिए वेबकैम क्या है, इनपुट डिवाइस है, कैप्चर क्या करता है, वीडियो इमेज करता है सीन की, जो कि इसके फ्रंट में आता है, ऑब्वियस सी बात है। ये क्या होता है, या तो कंप्यूटर में होता है, यूएसबी केबल में होता है, ये आप सारी चीजें देख लीजिएगा, और ये तीनों क्या है, ये तीनों आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पीरोम क्या होता है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए मेमोरी का क्वेश्चन है कंप्यूटर की, जैसे कि रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऐसे रोम होता है, तो उसमें क्या होता है आपका रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है, लेकिन रोम में क्या होता है काफी सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे पी रोम हो गया, पी रोम होता है। तो इसमें क्या है, जो आपका पी रोम होता है इसे क्या बोलते हैं, प्रोग्रामेबल ROM, रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे देखिए क्या आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो स्टूडेंट देखिए ये आज का कंप्यूटर के सेशन था, छोटा ही सेशन हमने रखा है, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन कर सके, और ये सिर्फ क्या है कि आपका क्विक रिविजन है, जल्दी से हाँ हाँ ये चीजें मुझे आती हैं, चलो जल्दी जल्दी देख के अपना आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने आपको बोला है कि पूरा हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में, हम सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, जितना भी टाइम है उस बीच में हम जितने भी क्वेश्चंस कर सकते हैं,
जो भी स्ट्रेटेजी होगी आपकी एग्जाम सॉल्व करने की, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना, ये सारी चीज़ों के बारे में हम 8 या 9 को ही अपलोड करेंगे, तभी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। उसके साथ चलिए, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि एक होमवर्क दे देते हैं आपको, और मैं यही विश करूंगा आप लोगों से कि उस क्वेश्चन को देखिए, समझिए और उसका आंसर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपने उस पर्टिकुलर चैप्टर से वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, इसका मतलब आप काफ़ी अच्छे लेवल में है। नहीं होता कोई इशू नहीं है, आप नेक्स्ट जो वीडियो होगी आप उसी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट करके आप जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। वैसे आई थिंक किसी को डाउट आया नहीं है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने टेलीग्राम पे भी मैसेज किया है आंसर, और कुछ बच्चों ने यूट्यूब पे भी किया है, आप देख लीजिएगा जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी कुछ बच्चों ने कमेंट किया हुआ है, और आई थिंक काफ़ी बच्चों का सही भी है। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, आई हैव टू रीच टू सम प्लेस, मुझे किसी जगह पे जाना था और मैंने जाना, या आई फाउंड दैट, मुझे पता चला कि आई शैल बी 15 मिनट लेट, मैं 15 मिनट लेट हो जाऊंगा अगर मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला तो, और अगर मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला तो मैं क्या है 10 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि अगर मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला तो मैं 15 मिनट लेट हो जाऊंगा, इसका मतलब अगर मुझे 9 बजे पहुंचना है तो मैं 9:15 पे पहुंचूंगा। और दूसरा क्या कह रहा है, अगर मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता हूं तो मैं क्या 10 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा, मतलब मुझे 9 बजे पहुंचना, मैं 8:50 पे पहुंच जाऊंगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि हाउ फार आई हैव टू वॉक, इसका मतलब कि वो टोटल डिस्टेंस कितना जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं जो उसे ट्रेवल करना है, 4 की स्पीड से भी और 6 की स्पीड से भी। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन है, सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन अगर जिसको स्ट्राइक हो गया वो काफी इजी हो जाएगा, और जो लेमैन लैंग्वेज में करने लगा थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉम्पिटिशन इज ऑल अबाउट, कॉम्पिटिशन सिर्फ और सिर्फ आपके शॉर्ट ट्रिक्स और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होता है, क्योंकि देखिए आज तक SSC में कोई फेल नहीं हुआ। फेल मतलब कट ऑफ जैसे होती है आपकी, क्योंकि फेल का मतलब है कि जैसे आपको क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसा शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जिसमें आप अटकते हो क्वेश्चन में, कोई बच्चा उसे 30 सेकंड में सॉल्व कर रहा है, कोई 10 सेकंड में सॉल्व कर रहा है, कोई 1 मिनट में सॉल्व कर रहा है। तो देखिए सिलेक्शन किसका होगा, इसका मतलब फेल कोई नहीं होता, क्वेश्चन सबको आते हैं, पॉइंट इज कितनी जल्दी आप उस क्वेश्चन को कर रहे हो। तो आपके ऑप्शन देख लीजिए, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर। आप चाहे तो ऑप्शन को डायरेक्ट भी लगा के देख सकते हो, बट मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिए, और अगली वीडियो में अगर कोई डाउट होगा तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा। लेकिन आई होप कि आपने काफी तैयारी कर ली है ऑलरेडी, तो शायद ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।